Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am Rahul Kumar, your science teacher. आज का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, इन सब में यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व है. जब ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें हम बर्निंग ऑफ फ्यूल को ले लें कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है, आप देखिए घरों में फ्यूल जलता है, गाड़ियों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में. फ्यूल से मुराद कोल है, ऑयल है, गैस है, ठीक है, पेट्रोल है. तो बर्निंग ऑफ फ्यूल के नतीजे में जो गैसेस यानी उसके स्मोक से निकलती हैं तो वो इजाफा कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है वो इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन कॉज हो रहा है. तो जिसकी वजह से यानी ग्लोबल लेवल पे जो है वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, जिसे हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो आए ग्लोबल वार्मिंग को हम डिस्कस मजीद करते हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या. तो मैंने लिखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे मैंने एग्जांपल दी है बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसके नतीजे में वो कहता है कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ कैन वी डिफाइन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन में जो इंक्रीज आ रहा है या इनकी जो बढ़ती हुई शरह है, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की बढ़ती हुई शरह, वो कहते हैं कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने का बायस है. एज द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्म, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया की जो जमीन है वो वार्म अप हो रही है, टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है. तो मेजर कॉजेस में हमने पढ़ी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना, ठीक है, और इसी तरह ओजोन डिप्लीशन का बढ़ना और उसमें जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वॉल्व होना, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा होना. तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक था. अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं यानी ह्यूमन लाइफ या लाइफ ऑन अर्थ पर जो है वो इसके क्या असर मतलब होते हैं. तो सबसे पहले तो ये देखें कि पोलर रीजन में यानी जो बर्फानी इलाके हैं, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई होती है, तो अर्थ इन पोलर रीजन एंड माउंटेन्स में यानी बर्फ पर पहाड़, पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई होती है, बर्फ पहाड़ होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के जरिए असर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. जब वो मेल्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्लड्स आते हैं. क्या आते हैं? यानी जो आइस है यानी पोलर रीजन में वो मेल्ट होते हैं इन ग्रेटर रेट, ठीक है, एट अ ग्रेटर रेट. तो जब यानी बर्फ पिघलती है तो जाहिर सी बात है पानी बनती है. तो वो पानी जो है यानी वो यानी सी में जो है, समंदर में, दरियाओं में जो है वो शामिल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सी लेवल जो है वो राइज अप है, यानी विच क्रिएट फ्लड्स इन लो लाइंग एरिया. कि जब फ्लड्स आते हैं तो यानी इससे मुतासिर जो है वो नशे के इलाके जो है वो फौरी तौर पर मुतासिर होते हैं, लो लाइंग एरिया जो है वो डूब जाते हैं. नशे के इलाके जो है वो यानी सैलाब की जद में आकर जो है वो डूब जाते हैं. वहां पर पाए जाने वाले जो इंसान है, इंसानों के माल असबाब है, वो सब के सब जो है वो डूब जाते हैं, यानी उनकी जिंदगी जो है यानी बहुत ज्यादा हद तक मुतासर होकर रह जाती है.
ठीक है, तो उनकी जो फसलें हैं, ठीक है, उनके माल असबाब जानवर तो सब के सब जो है वो उसका शिकार होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमने पढ़ा कि यदि आइस पिघलती फ्लड्स आते हैं जिनकी वजह से लोअर एरियाज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्लाइमेट चेंज यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। दुनिया में बहुत सी यानी रीजन्स का जो है यानी वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो उसमें चेंज आता है। यानी इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी वो कहते हैं थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ यानी जिंदगी यानी जो जमीन पर पाई जाती है उसमें इंसान है, ठीक है, उसमें पौधे हैं, उसमें एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, सब को जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन के हवाले से। एसिड रेन क्या है ये देखिए कि मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के जरिए आपको एसिड रेन को समझाने की कोशिश की है कि एटमोसफेयर के अंदर जो है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अपर एटमोसफेयर में सल्फर डाइऑक्साइड एसओ इसी तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी ये जो है वो अपर एटमोसफेयर में जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल हो जाते हैं जिनको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। यानी एटमोसफेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये जब डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर वेपर्स में इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में ये जो मतलब एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये वाटर वेपर्स क्लाउड्स में जो वाटर वेपर्स पाए जाते हैं उनमें डिजॉल्व होकर यानी रेन को ये यानी चेंज कर देते हैं या यूं कह लेंगे इन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वाटर वेपर्स के साथ मिलकर जो है यानी उन वाटर वेपर्स को जो है या यूं कह लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर वेपर्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4 ये भी एसिड है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये वाटर वेपर्स के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं H2O3। ठीक, अब ये एसिड्स जब रेन वाटर में शामिल होते हैं तो ये जो है वो रेन वाटर को एसिड बना देते हैं यानी दे में दीज एसिड्स में रेन वाटर एसिड जिसकी वजह से हम उस रेन वाटर को अब हम क्या कहेंगे एसिड रेन। अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन या एसिड रेन के क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो एसिड रेन है ये एक्वाटिक लाइफ यानी रिवर्स में, ठीक है, इसके अलावा लेक्स और इसके अलावा पॉन्ड्स वगैरह में जो एक्वाटिक लाइफ आबी हयात है उसमें मछलियां हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो सभी मुतासर एसिडिक यानी जो एसिड रेन जो यानी वाटर बॉडीज में शामिल है। इसके अलावा एसिड रेन जो है ये डिस्ट्रॉय करते हैं लीव्स को और बार्स ऑफ ट्रीज लीव्स ऑफ ट्रीज दरख्तों के पत्ते और उनके जो स्टेम हैं ब्रांचेस हैं बार्क कोई भी यानी एसिड रेन के इफेक्ट से जो है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, इसके अलावा ये जो एसिड रेन है यानी कोरोड्स मेटल्स एंड स्टोन यूज इन बिल्डिंग यानी ना सिर्फ इंसान यानी जानवर पौधे उसके अलावा वो कहते हैं कि बिल्डिंग्स भी जो है वो एसिड रेन के इफेक्ट से जो है वो मुतासिर होती हैं। उसमें क्या होता है कि यानी मेटल्स के सरफेस या जो स्टोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, ठीक है, तो जितने भी जो तारीखी मकामात हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चूँकि मार्बल से बनी होती है तो उनकी यानी जो सरफेस है वो दिन ब दिन जो है करोड़ हो रही है खराब हो रही है डैमेज हो रही है एसिड रेन की वजह से। इसी तरह जो एसिड रेन का इफेक्ट जो है यानी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ता है। तो ये था, यानी इसके अलावा एक और इफेक्ट भी मैं आपको बताता चलूँ कि एसिडिक रेन का जो एक और इफेक्ट है वो ये है कि जमीन को जो है यानी एसिडिक बना रहा है। यानी हम कहते हैं कि एसिड रेन में सॉइल एसिडिक नेचर, जिसकी वजह से जमीन जो सरफेसी है फर्टाइलिटी ऑफ सॉइल वो भी डिक्रीज हो रही है और प्लांट्स जो हैं वो यानी बेहतर तौर पर जो है फलोशुमा नहीं पा सकते। प्लांट्स की प्रोडक्शन पर जो है वो बुरा असर पड़ता है एसिड रेन की वजह से। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जिस पे हमने यानी ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और मेन वजह ह्यूमन एक्टिविटीज, फ्यूल का जलना, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स का जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होना, यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो कॉज करता है, जिसे हम नाम देते हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइज इन द मतलब एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। और इसी तरह हमने एसिड रेन को स्टडी किया, उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।